नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान स्टेट बैंक का रहस्य उद्घाटन इतना अचंभे में डालने वाला नहीं है। इस मुल्क में मदरसे, मस्जिद और महंगाई अगर आकाश बेल की तरह बढ़ रही है तो यह सब मदीने की रियासत का चमत्कार है। कच्चे घरों की कच्ची बुनियाद ऐसी ही रियासतों में निर्मित हुई है, इसलिए पाकिस्तान ताड़ के पेड़ पर खजूर ढूंढ रहा है। यानी राम राज्य की नकल में इनका मदीने की रियासत का शोर बुगलों के झुंड में मुर्गी का अंडा खोजने जैसा है। परंतु जो अंडा इमरान खान ने पाकिस्तानियों की पीठ पर रखा है, वहां चूजे निकलने की बजाय सूसू फूफू ज्यादा निकल रही है। वित्त वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई का रिकॉर्ड बनाया है। इसी साल जनवरी में यह 14.2% थी, पर आज कहा जा रहा है यह 22% से ऊपर पहुंच गई है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अरब सागर से इमरान ने बेशक तेल नहीं निकाला, मगर तैमंदबाजों को सूसू करने वाला औजार भी नहीं मिल रहा है। यानी एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में मदीने की रियासत का ढंडोरा। पर इमरान के भाग्य की तरह ये दोनों भी फूटे हुए हैं। पर महंगाई, मदरसे और मस्जिदें पाक अवाम की तस्वीर फिलाने के लिए काफी नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत तो अब इस पर आने वाली है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने एक बड़ा खुलासा करके पाक हुकुमरानों की नींद उड़ा दी है। खालिद ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारत से दवाई आयात पर रोक लगाने से न केवल चिकित्सा आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके सामने खाद्य संकट भी खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के अनाज भंडारों में 4 महीने के लिए पर्याप्त राशन बचा है। यहां तक कि बल्ब चोर पाक फौज के लिए भी साल भर का राशन भी नहीं है। खाद्य संकट उत्पन्न होने का कारण पाकिस्तान द्वारा टिड्डी की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करना है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महीने ही पाकिस्तान ने दवाई आयात घोटाला उजागर होने के बाद भारत से आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। इस प्रतिबंध का असर यह हुआ कि मुल्क के अस्पतालों से दवाइयां गायब हो गई। पाकिस्तान के पास दवाइयां बनाने के लिए कच्चा माल भी नहीं रहा, जिससे यहां की दवाई कंपनियां भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे हालात में भारत से अनाज का आयात करना उसके तहमत पर और दाग लगा देगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा फरवरी 2019 में पाक से छीना गया MFN का दर्जा आज अपनी ताकत का परिचय दे रहा है। 1996 से लेकर 15 फरवरी 2019 तक पाकिस्तान ने कम शुल्क पर भारत से जमकर आयात किया, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत द्वारा FMN का अधिकार वापस लेने के बाद ही पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। जो सामान अन्य देश को भारत से 10 रुपए में आयात होता था, वह पाकिस्तान को 7 रुपए में पड़ रहा था। लेकिन यह रियायत खत्म हुई तो पाकिस्तान भी महंगाई की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सब्जियां, दालों ने यहां महंगाई के पिछले 14 सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। पर मामला यहां तक नहीं है। जाफरान का तेल पीठ पर लगाकर चीन को ललचाने वाले पाकिस्तान में अनाज के आयात के विकल्प के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत देश है। चीन चावल उत्पादन में अव्वल है, मगर भारत के मुकाबले चावल, अनाज, दालें, दवाई और सब्जियां पाकिस्तान को किसी अन्य मुल्क से सस्ती नहीं मिल सकती है। खासतौर से दूसरे देशों से पाकिस्तान में पहुंच इसे और ज्यादा महंगा कर देती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में महंगाई की असली वजह भारत से आयात बंद होना है। यानी पाक फौज और इमरान की भारत विरोध की नीतियों ने पूरे पाकिस्तान को गरीबी और महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है। बड़ी बात यह है कि भारत से उसको दोबारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलने की आस भी नहीं है। वैसे भी इमरान खान ने अभी अभी एक नया धंधा चालू किया है। उसने पाक के तैमंदबाजों को टिड्डी पकड़ने के धंधे पर चेप दिया है। शायद इन टिड्डियों को बाजार में बेचकर महंगाई के साथ बेरोजगारी दर में भी कुछ कमी आएगी। पर सवाल अभी भी यही है कि पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए क्या रणनीति है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत से अनाज आयात करना पाकिस्तान के लिए मजबूरी है। अगर उसने ऑस्ट्रेलिया, अमरीका या अन्य किसी मुल्क से अनाज का आयात किया तो यह उसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ डालेगा। लेकिन इससे बड़ी मुसीबत तो पाकिस्तान में खत्म हो रही दवाइयों को लेकर है। कोरोना महामारी के चलते यहाँ 1,03,671 टोपी बाद संक्रमित हो चुके हैं। 2067 तैमन छापों का बिस्तरा हूर मिलन के लिए बंद चुका है। पाकिस्तान को हर हाल में जीवन रक्षक दवाइयों की दरकरार है, परंतु सीमा पर उसके द्वारा भेजे गए गोले इन दवा की गोली से कहीं बड़े हैं। ऐसे में भारत से जाने वाली गोलियां इसके लिए उचित नहीं है। अगर अनाज भेजना भी पड़े तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के मूल्यों पर ही दिया जाए, ताकि भारत के किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।